स्वागत है सभी दर्शकों का चौथे अंक में। हम एक बार फिर हाजिर हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव के साथ और मेडिटेशन के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। अक्सर ये देखते हैं और सभी लोग इस बात को मानते भी हैं कि पढ़ाई के ऊपर मेडिटेशन का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। ऐसा सब लोगों का एक सहमति से मानना है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे, अगर 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में बच्चों को मेडिटेशन की आदत पड़ जाए तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। कैसे करें वो, ये चीज़ एक्चुअल में होती कैसे है? ये तो सभी को पता है कि हाँ मेडिटेशन करेंगे तो उसका फ़र्क पड़ेगा, पर वो फ़र्क माइन्यूटेस्ट डिटेल में पड़ता कैसे है, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन होता है ये तो सभी जानते हैं, और स्पष्ट रूप में कंसंट्रेट जब होते हो, कंसंट्रेशन का अभ्यास होता है तो पढ़ाई में उसका लाभ होता है। दूसरा, आजकल विजुलाइजेशन टेक्निक का स्मार्ट क्लासेस के रूप में अच्छे स्कूल में चल रहा है। विजुलाइजेशन टेक्निक में कहा जाता है कि जो चीज़ आप पढ़ लो, देख लो और सुन लो, देखी चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाती है। विजुलाइजेशन टेक्निक, अच्छा हमने बताया कि मेडिटेशन में आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट पैदा करता है, बुद्धि के 2 पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट से एनालिसिस होता है, राइट से विजुलाइज होता है, क्रिएटिव उसका छाप पड़ जाए, विजुलाइजेशन टेक्निक पूरी हो जाती है। यही अभ्यास आप पढ़ाई में करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट देता है, अर्थात कम मेहनत अधिक सफलता। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो कहा जाता है कि 6 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर लेते हो। एक्चुअली मेडिटेशन जो है सुबह करना चाहिए, पढ़ाई का समय सुबह सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों होता है मैं इसको बताऊंगा। 4 से 7 का समय ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहा जाता है। इस समय वाइब्रेशंस हाई होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है और हमारा दिमाग एकदम साफ होता है, दिमाग में एकदम क्लियर होता है, बिल्कुल हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जाने के तैयार होता है। तो अच्छा, एक ट्रैफिक थॉट की ट्रैफिक नहीं होती, जैसे कि हमें कहीं जाना अगर हो तो हम सुबह ही निकल जाते हैं, आसानी से उस जगह पहुंच जाते हैं। तो सुबह की चीज़ पढ़ी हुई, अच्छा अवचेतन भी सक्रिय हो जाता है और इस समय हमारा बौद्धिक ज्ञान से इंट्यूटिव ज्ञान भी सक्रिय हो जाता है। तो इतनी चीज़ फोर्सेस काम करने के बाद हमें बहुत दिनों तक याद रहती है बातें। और इसको हम आपको 2 प्रूफ देंगे। आप किसी भी समस्या से, यदि वर्षों से कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट में परेशान है, समाधान नहीं निकल रहा है, आप 4 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो लो। आप हम तो कह रहे हैं मेडिटेशन भी मत कर लो, आप शांत बैठ जाओ, उस प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दो, आप देखोगे दूसरी तरफ सोल्यूशन की तरफ आने लगते हो। कुछ देर में सोल्यूशन हो सकता है, एक दिन ना ले दूसरे दिन सोल्यूशन आप मिल जाएगा। एक चीज़ वाइब्रेशन का क्लियर है। दूसरा, सुबह के समय हमारा वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, इसीलिए कहा था सुबह हमारे सपने सच हो जाते हैं। क्यों सच हो जाते हैं? हमारा मन बुद्धि एकदम फ्रेश हो जाता है, सोते समय भी थॉट चलता है। जब सपना में सोचते हैं तो थॉट हमारा चलता है, वाइब्रेट पकड़ लेती चीज़ों को। यही तो इंट्यूटिव है कि हमें आभास हो जाता है, जो बौद्धिक ज्ञान से नहीं पा रहे हैं वह इंट्यूटिव ज्ञान से पा लेंगे। इसलिए सुबह का समय आप मेडिटेशन करें तो 6 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में, और स्मार्ट क्लासेस में आज विजुलाइजेशन टेक्निक की प्रयोग किया जाए। आप यहाँ प्रयास करो, आप घर बैठे आप वह रिजल्ट पाओगे जो बड़े बड़े लोग पैसा दे के भी नहीं मिलेगा आपको। यस जी डॉक्टर साहब, लेकिन इसको एक्चुअल में रियलाइज़ करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल की दिनचर्या ऐसी है, सुबह 4 बजे उठता कोई नहीं, रात में 12-12, 1-1 बजे लोग सोते हैं। आप किसी स्कूल के बच्चे को सुबह 7 बजे जगाने का प्रयास कीजिए, वो 4 बार तो हाथ छुड़ा के फिर सो जाएगा, ज़बरदस्ती उसको उठाना पड़ेगा। तो इससे कैसे बचे? ऐसा है कि अगर देखिए, 2 नेचर के लोग होते हैं, या तो रात को पढ़ते हैं या सुबह पढ़ें। हमने पहले बताया था कि रात में पढ़ने वाला व्यक्ति या सुबह अगर पढ़ ले तो जो रिजल्ट दे रहा है वह ज़्यादा होगा, कई गुना होगा। इस चीज़ को टेस्ट करके देखना चाहिए। देखिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको विल पावर लाना पड़ेगा, मतलब हाउ टू चेंज, वेयर टू चेंज, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज, व्हाट टू चेंज। अच्छा, ये मैं वांट टू चेंज सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अन्य चीज़ पे वर्क करते हैं, बहुत अध्ययन के ऐसा है, वांट टू चेंज आना चाहिए। आप वांट टू चेंज ले आओगे और खुद परीक्षण करो, दूसरे को छोड़ो, अब एक स्वयं अनुभव से बढ़कर कोई अनुभव नहीं होता। जी, तो ये बहुत ज्ञान की बात डॉक्टर साहब ने बताई। आपको बिना पेन के गेन नहीं मिलेगा, जैसा कहा भी जाता है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप 6 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में करना चाहते हैं, तो आपको रात्रि में जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। ये फायदा आपको चाहिए तो आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। वापस चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पेरेंटिंग एक चुनौती बन गई है आजकल पेरेंट्स के लिए, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, समय नहीं है। कई जगह देखते हैं कि आयाओं के ऊपर बच्चों को छोड़ा हुआ है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब के लिए जा रहे हैं,
बच्चा माँ से ज़्यादा आया से अटैच्ड है, उसके हाथ से खाना खा लेगा, माँ के हाथ से खाना नहीं खाएगा, इतनी बड़ी चुनौती को आज के समय में कैसे टैकल किया जाए? देखिए, पेरेंटिंग जो पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में सबसे आसान काम माना जाता था, आज सबसे कठिन काम माना जाता है। एक्चुअली आज हमारे सामने जो सबसे समस्या है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक टॉलरेंस नहीं है, एक एडजस्टमेंट शक्ति नहीं है। ये क्यों नहीं है? कहा जाता है जिस पेरेंट्स ने या जिस व्यक्ति ने एक बच्चा पाल लिया, उसको एडजस्टमेंट पावर, उसको टॉलरेंस पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब हम बच्चे को तो क्रेज में छोड़ दे रहे हैं, बच्चे को बोर्डिंग में छोड़ दे रहे हैं, बच्चे को आया के हाथ छोड़ दे रहे हैं। तो जो चीज़ डेवलप होनी चाहिए, एडजस्टमेंट और टॉलरेंस पावर, वहाँ हम डेवलप ही नहीं कर पाए। और जब आपकी नहीं डेवलप हुई तो बच्चे की डेवलप नहीं हुई। तो स्वयं पेरेंटिंग से बच्चे की पेरेंटिंग, आप स्वयं संतुष्ट रहोगे, स्वयं अपनी पेरेंटिंग करोगे, मन की पेरेंटिंग करोगे, बच्चा की पेरेंटिंग स्वतः, ये स्वयं पेरेंटिंग से बच्चे की पेरेंटिंग। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आया लोग आया को क्यों रखते हैं? कहते हैं कि इसको बच्चे की मालिश की टेक्निक हमको नहीं पता है और एक पैसा दे के आया को। यह टेक्निक उतनी बड़ी समस्या नहीं है, यह वाइब्रेशन की समस्या है। हम बच्चे को वाइब्रेशन देना चाहिए, देख के, छू के, समझ के, जान के, समझ पास रखे। एक बच्चा, एक माँ एक दूसरे की भाषा न समझते हुए भी घंटों एक दूसरे से बात करते हैं वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन तो बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन देते हो तो आप पास रहते हो, कल समय तो आपको देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है आप घंटों, आप कम दो लेकिन क्वालिटेटिव समय दो, गुणवत्ता तक समूह दो। जब आप ऐसा देते हो तो समय बच्चा इसको समझेगा, जानेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके नज़दीक आएगा, आप खुद भी टॉलरेट होगे और बच्चे में भी एडजस्टमेंट की पावर दोनों में आएगी। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। क्रोध और मेडिटेशन के बारे में पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, काफ़ी आपने बताया भी है दर्शकों को इस विषय पर। थोड़ा सा और अधिक प्रयास की तरफ चलें और थोड़ा सा माइन्यूटेस्ट डिटेल की तरफ जाएं, तो किस तरीके से मेडिटेशन के जरिए क्रोध पे काबू पाने का प्रयास शुरू कहाँ से करें, वो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, मेडिटेशन में मैंने कहा कि विजुलाइजेशन टेक्निक होती है, पहले बताया सिद्धांत। एक्चुअली क्रोध पे भी एक इमेजिन आप करो कि आप एक फिल्म का रीटेक करते हो, फिल्म की शॉट आप मेरा सीन ले रहे हैं, हम रीटेक करेंगे। तो रीटेक करने के बाद हम देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे में कमी रह गई। अच्छा, अब मान लो कि हम रीटेक में फिर वह गलती नहीं करेंगे, तो क्रोध, देखिए कोई आदमी इसको सही तो नहीं मानता है, ऐसे नहीं मानता, कर नहीं पाता अलग बात है। तो जो शॉर्ट सीन आपका ख़राब हो जाता है, अर्थात क्रोध, मैंने आपने कुछ कहा, मैंने उल्टी प्रतिक्रिया दे दिया, तो हम उसको बाद में अलग बैठ के उसको रीटेक करके देखें हमारा परफॉर्म, हमारी प्रतिक्रिया आपको कैसी होनी चाहिए था, ऐसी नहीं चाहिए, कैसी होनी चाहिए थी, और वह सही, मतलब आपका चेयर है मेरे यहाँ, मैंने ये प्रतिक्रिया, मैंने उस तरह अच्छी प्रतिक्रिया देना चाहिए था। उसको एक सीन क्रिएट करके, रीटेक वाली सीन करके, एक इसको विजुलाइज कर लीजिए, वह आपका इमोशनल मेमोरी बैंक में चला जाता है। जब कभी वैसी परिस्थिति आएगी तो आप उस इमोशनल मेमोरी बैंक से वह प्रतिक्रिया जो अभ्यास किए रहोगे वह आप करोगे, तो धीरे धीरे आप करते हो। एक चीज़ आपको हम बात बता दें कि आप यदि देखिए, वर्क करना पड़ेगा, आप जब प्रयास करते हो तो दिन में यदि 10 बार क्रोध करते हो सकता है कि आप 8 बार करोगे, 2 बार नहीं करोगे। इट इज़ बिग अचीवमेंट। 2 बार आप नहीं करते, उसको हल्के मत लीजिए। हमारी एक आदत है, हम संतुष्ट चीज़ों को पाके संतुष्ट नहीं रहते। जो पाओगे वो संतुष्ट रहोगे, तब आगे बढ़ोगे, तो 2 गुना चीज़ मिलेगा। आज 10 रुपये पाए हैं, संतुष्ट रह के आगे बढ़ेंगे तो 20 रुपये, अगर उस 10 रुपये पा के संतुष्ट नहीं होंगे 5 रुपये पाएंगे। अर्थात जो हम 2 बार कम क्रोध किए कि इट इज़ बिग अचीवमेंट मांग के, फिर दिन प्रयास करें, और करते करते एक दिन देखिएगा आप 10 बार करते हो तो 0 बार क्रोध करोगे। एक चीज़ आपको बहुत अच्छा, एक पॉज लेने वाला हमने बताया था, ग्रेट फिलासफर वर्ड के हैं अरस्तु, वो कहते हैं कि पॉज लेने में कहते हैं कि क्रोध सही विधि से किया जाए, सही मात्रा में किया जाए, सही व्यक्ति पर किया जाए, सही समय पे किया जाए। जब सही सही आप देखोगे, इतना वो आजकल क्रोध आएगा ही नहीं, पॉज ले लिया जाए, पॉज ले लिया जाए तो क्रोध तो आप बच जाओगे। इधर जी, तो समझने वाली बात ये है कि इट इज़ प्रैक्टिस एक्चुअली विच मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने अगर किसी चीज़ पे, किसी बात पे क्रोध किया है, तो आप 2 पल सोच सकते हैं कि यदि मैंने इन परिस्थिति में क्रोध नहीं किया होता तो मैंने क्या किया होता, क्या मुझे सही में करना चाहिए था,
गलती हुई, आदमी जब सोचता है वो रियलाइज़ करता है मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, उसको इमेज बैंक में रखें, सेव करके रखें, नेक्स्ट टाइम जब वही इंसिडेंस आपके सामने रिपीट होता है तो वही करिए जो पिछली बार आपने सोचा था कि क्रोध नहीं ये करना चाहिए था। धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आप अपना गुस्सा करने की आदत से निजात पा लेंगे। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। साहब मैं ये आप कह रहे हैं ठीक है, मान लेता हूँ, सबूत क्या है? और ये सबूत दूसरों को ही नहीं चाहिए, हमें अपने आप को खुद को भी चाहिए। हमें कोई आदमी किसी बात के ऊपर समझाने का प्रयास कर रहा है, साहब आप ये मान लीजिए ठीक है मान लेंगे, सबूत क्या है? अब कितनी चीज़ों का सबूत लाएँ, कहाँ से लाएँ? अब हर बात को मानने के लिए बार बार सबूत की आवश्यकता, तो इस मानसिकता से कैसे बचा जा सकता है? देखिए हमारा पूरा जीवन जो है 95% विश्वास के आधार पर चलता है, 5% हम प्रत्यक्ष या सामने देखते हैं। अच्छा हमारे देखने सुनने की क्षमता सीमित है। देखिए लाइट की एक निश्चित वेवलेंथ होती है, साउंड की निश्चित एक हर्ज आवृत्ति होती है, इंटेंसिटी होती है, तो उस वेवलेंथ के ना इधर देख सकते हैं ना उधर सकते हैं। अच्छा उस साउंड के ना इधर हर्ज के ना 20 से 20,000 तक हम सुन सकते हैं, इसके ऊपर नीचे नहीं सुन सकते, इधर सुन सकते हैं उधर सुन सकते हैं। तो हो सकता है कि इस हमारे बगल कोई बैठा हो, उस वेवलेंथ को हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा है, हमसे कुछ कह रहा हो, उस हर्ज को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो देख का मतलब हम देख हर बात तो मैं जान नहीं सकता, तो विश्वास। अच्छा ये चीज़ आप जब मेडिटेशन से, यही तो वाइब्रेशन हमारी हाई होती है, जो संत महात्मा होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, वो चीज़ देखने लगते हैं जो आप नहीं देख पाते सामान्य व्यक्ति। इसी तरह मेडिटेशन करते हैं तो अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, जब हाई कर लेते हैं तो हमें एक इंट्यूटिव ज्ञान पूर्वाश, यही तो ज्ञान है, यही तो मेरी शक्ति है। इसलिए जैसे आप कहते हैं कि रंग, देखिए जो एक्चुअली जो रंग नहीं है वही दिखता है, रंग क्वालिटी जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है मूल चीज़ एब्जॉर्ब कर लिया, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वही हमको दिखा, मतलब जो चीज़ है वो दिखा ही नहीं। अच्छा हर चीज़ टाइम स्पेस से हमको दिखाई देती है, देश काल से वो चश्मे हैं, एक्चुअल चीज़ तो हम पता ही नहीं। तो कहने का मतलब मोटे रूप में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ रियलाइजेशन जो आप अनुभव कर लोगे वही सही है। अगर आपको सीधा सेल्फ रियलाइजेशन करके अनुभव हो गया, दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, मैं एक तरफ खड़ूंगा, मैं जानता हूँ, आप चिल्लाते रहोगे ये लेकिन कहूँगा मैं जानता हूँ। इसलिए सेल्फ लाइसेंस बढ़ के, स्वयं से बढ़ के बढ़िया प्रमाण दुनिया में कुछ होता ही नहीं, वो संभव ही नहीं, स्वयं से बढ़िया प्रमाण बढ़ के कोई नहीं। किसी बात को जितना आप अपने स्तर पे क्लियर होगे, एक तो दूसरा क्लियर करता चल रहा है, एक आप स्वयं क्लियर, अच्छा दूसरे के बेस पे जो आप एक निष्कर्ष निकालोगे, जो आपका निष्कर्ष निकल जाएगा, उस निष्कर्ष जो आपका निकला है लोग लाख कहते रहें, आप क्लियर हो इस बात पे, हो सकता है क्लियरिटी आप फिर, लेकिन जो आप क्लियर उस पे स्टैंड करोगे आप जी, तो हम तो, जी हम तो समझ गए, हम तो कन्विंस हो गए, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कन्विंस होने को तैयार नहीं, उसका क्या करें? देखिए आप कन्विंस हो तो दूसरा ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा, पहले आप तो कन्विंस, पहले आप तो कॉन्फिडेंट हो। इसी रूप में जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तो दूसरा आज नहीं तो कल कॉन्फिडेंट में हमारे मतलब हमारी बातों से सहमत होगा, पहले आप कॉन्फिडेंट हो। ये मेडिटेशन ही तो करता है कि आप कॉन्फिडेंट बनाता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें दुनिया को सुधारना नहीं, हमें सेल्फ अपना देखना है, हम कॉन्फिडेंट हो हमें अपना जीवन देखना है। पहले अपने आप को स्वयं को समझाना आवश्यक है, आप किसी बात पर सहमत होंगे तभी आप दूसरे को भी सहमत कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बताइए डॉक्टर साहब, बहुत लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, कई लोग इस बात को मानते भी हैं कि आप दूर से किसी को नमस्ते करेंगे तो वो बोलेगा कि आप मुंबई से भेज देते, आप किसी को पास आके नमस्ते करेंगे तो बोलेगा कि मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो किसी भी तरीके से लोगों को कमेंट करना ही करना है, आप बच नहीं सकते, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आपकी हर बात के ऊपर जिस भी माहौल में जाएंगे, जिस भी समाज में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, कहीं ना कहीं से कमेंट आपको आएगा ही आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए कैसे एक आदमी अपना सीधे सीधे रास्ते जीवन यापन करे? ये क्लियर बात है कि आप अपने पे फोकस रखो, अपने सुधार पे बल दो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो आप, अपने सुधार पे अपने फोकस रखोगे। अच्छा हम करते क्या हैं, हम समय को बदलने का प्रयास करते हैं, समय चलेगा, समय को रोक नहीं पाया है, समय को बदल भी नहीं पाओगे तो
इससे बढ़िया क्या, आप स्वयं बदल जाओ। भाई समय को नहीं बदल पाओगे, हम प्रयास करते समय को लगते हैं बदलने। अच्छा, तो उसमें सीधा सा एक सिद्धांत वही है कि आप यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होगे तो दूसरे कॉन्फिडेंस पे ले पाओगे, सेल्फ कंट्रोल होगे तो तभी दूसरे कंट्रोल कर पाओगे। हम करते हैं दूसरे कंट्रोल कर लेते, पहले सेल्फ कंट्रोल जाओ, ऑटोमेटिक दूसरा कंट्रोल हो जाएगा। आप अगर अप्रिसिएशन चाहते हो पहले अपने को अप्रिसिएट करो, आप रिस्पेक्ट चाहते हो पहले अपने को रिस्पेक्ट दो, आप कुछ भी जो चाहते हो पहले अपने को देखो। अपने को देखोगे तो आप बी योर ओन लाइट, जैसे हमने कहा बी आत्मदीप बने, बी स्ट्रेंथ। जब आप मजबूत होगे तो ऑटोमेटिक दूसरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और कुल मिला के हमारा मोटो अपनी तरफ होना चाहिए, जहां दूसरी तरफ देखे आप तो दूसरी तरफ देख कंपटीटिव फियर एंड इनसिक्योरिटी आ जाएगी आपको। अपनी तरफ देखो, आप अपनी तरफ देखोगे, अपने को आप अपनी प्रशंसा करो, अपने अपने को जो है रिस्पेक्ट दोगे, अपने को कंट्रोल रखोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक होती जाएंगी। उधर देखो ही ना, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में गलत बात ना करें, तो सबसे पहले आप लोगों के बारे में गलत बात करना बंद करें। जी सर, ऐसा ना कि आप तभी अप्रिसिएशन और आप चाहते हो किसी से कोई हमने एप्रिसिएट करे, अंदर से खालीपन रहेगा तभी चाहोगे। आप अंदर से भरे रहोगे तो आपको कोई मतलब एप्रिसिएट करे या ना करे, हमारे अंदर कुछ खालीपन रहेगा तभी तो हमको चाहिए। जब आप भरे रहोगे फुले रहोगे तो आपको चाहिए भी नहीं। इसलिए आप अंदर से फुलफिलमेंट का प्रयास करो, अपनी तरफ देखो दूसरी तरफ मत देखो। जी, ज्ञान का भंडार है डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, और इस सागर में से हम मोती निकालते रहेंगे। अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।